हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रजनेश चौधरी, आई एम द जनरल सेक्रेटरी कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी 31 मई टू 2 जून दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में 3 डेज की ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप जो हुई है, इट्स ए ग्रांड सक्सेस इवेंट, हिस्टोरिकल चैंपियनशिप थी ये, और इसका पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, सभी कराटे के खिलाड़ियों को, सभी कोचेज को, सभी रेफरीज को, हमारी एग्जीक्यूटिव टीम को, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिया के अंदर कराटे डे बाय डे कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे फल फूल रहा है, जो कि एक दिन हमारे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल से मेडल लेके आएगा। ये जो चैंपियनशिप थी, इसके अंदर 25 स्टेट्स के मोर देन 1500 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, और जो हमारे रेफरीज थे, WKF के रेफरी हैं, AKF के रेफरी हैं, और काई के नेशनल रेफरीज हैं, उन सबकी देखरेख में ये इवेंट हुआ है, जो कि ग्रांड सक्सेस रहा है, विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी डिस्प्यूट। तरुण चक्रवर्ती जी जो कि हमारे RC चेयरमैन है, अमित गुप्ता जी जो कि RC सेक्रेटरी है, टूर्नामेंट डायरेक्टर मिस्टर पारितोष शर्मा, और हमारे हेड कोच शर्मा जी, इनकी लीडरशिप के अंदर सभी रेफरीज ने बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी रेफरीज की और रेफरी कमीशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बिना रेफरीज के, बिना टेक्निकल हैंड्स के आप कोई भी इवेंट सक्सेस नहीं कर सकते हो। हमारी इस इवेंट के अंदर जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने भी बहुत मेहनत की है। कुलदीप वत्सी जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली ओलंपिक के भी प्रेसिडेंट हैं, लिका दारा जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी गाइडलाइन में हमने सब ने काम किया है। हमारे इस इवेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है बैकुंड जी ने, जो कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, दीपक अग्रवाल, सुमित छिल्लर, विनोद कुमार, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की इस इवेंट को सक्सेस करने में। और एक नाम अगर मैं नहीं लूंगा तो शायद कमी रह जाएगी इसमें, जो कि हमारे बहुत ही सीनियर, हम सब में सीनियर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संसद दोसा मुंगा जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में हमें गाइडेंस भी दी और पूरे 3 दिन तक स्टेज के ऊपर ही बैठे रहे हर चीज को वॉच करने के लिए। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये इवेंट हिस्टोरिकल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हर चीज बेस्ट थी। जैसे हमने मेडल देखे तो मेडल बेस्ट मेडल थे अब तक के, सर्टिफिकेट जो थे वो बेस्ट थे, फूडिंग थी अब तक की बेस्ट थी, जितने भी उस इवेंट में थोड़ी सी भी चीटिंग नहीं हुई, सब लोग एकदम ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, और बिना किसी इंजरी के, बिना किसी डिस्प्यूट के ये पूरा इवेंट हुआ है। तो इसलिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ग्रांड सक्सेस इवेंट है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारी इस पूरी टीम को जाता है। और मैं ऐसी टीम जिसके लिए हर कंट्री तरसता है कि हमारी ऐसी टीम हो, प्लेयर्स की नहीं, सारी एग्जीक्यूटिव की और टेक्निकल टीम हो, वैसे टीम हमारी इंडिया की बन चुकी है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इंडिया के लिए बाहर से मेडल लेके आएंगे, क्योंकि आज तक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो टीम है उसके साथ सिर्फ राजनीति हुई है, प्लेयर्स का सपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब हम ये जो हमारी अब टीम है, ये वो टीम है जो प्लेयर्स को आगे लेके आएगी, राजनीति को आगे लेके नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से सभी कराटे के खिलाड़ियों को, सभी कोचेज को, रेफरीज को, और स्पेशली हमारे रेफरी कमीशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। इस चैंपियनशिप में ओपनिंग सेरेमनी पर हमारे प्रेसिडेंट साहब आए, और क्लोजिंग पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रोहित पांडे जी आए, जिन्होंने आके इस पूरे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। हमारे और भी बहुत सारे VIP जिसके अंदर आए, उन सबका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में आके हमारी शोभा बढ़ाई, हमारा हौसला बढ़ाया। एक दिल्ली का भ्रष्ट आदमी ये चैलेंज कर रहा था कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई भी इवेंट नहीं कर सकती है, इंडिया के किसी भी कोने में नहीं कर सकती है, जिसका पर्पस सिर्फ लोगों को मिसगाइड करना है। हमने उनको ये दिखा दिया, पूरी टीम ने मिलकर, कि ये देखिए हम दिल्ली के किसी कोने में नहीं, दिल्ली
इंडिया के किसी कोने में नहीं, दिल्ली में करेंगे, और छोटा इवेंट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे और ग्रांड सक्सेस करेंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों से हमें कराटे को बचाना है, कराटे को आगे लेके चलना है। अभी एशियन गेम्स का सिलेक्शन ट्रायल है जो विद इन 1 वीक और 10 डेज हो जाएगा, तो आपके पास यू हैव जस्ट 7 to 10 डेज। आप लोग मेहनत कीजिए जितनी ज्यादा कर सकते हैं, और इंडिया की टीम यहां से एक बहुत अच्छी सेलेक्ट करेंगे, और ये साई के अंडर में पूरा का पूरा इवेंट होगा। जो सिलेक्टेड प्लेयर्स होंगे वो देश के लिए खेलेंगे, अपने तिरंगे के लिए खेलेंगे। आप सब लोग अच्छे से सेलेक्ट होइए, मेडल जीत कर लेकर आइए। अगर हमने 2 मेडल भी हिंदुस्तान के लिए जीत कर हमारी सरकार को, मोदी जी को हमने दे दिए, तो मुझे ये विश्वास है कि कराटे के लिए जितनी भी सुविधाएं हम मांगेंगे वो सब हमें मिलेंगी, और ये कराटे को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। एक बार मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।